हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे 10 मंत्र हैं जो आपको खुशी देंगे। खुशियों का राज क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, धरती पर मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ उसको इसलिए माना जाता है कि ईश्वर ने उसको बुद्धि दी है। सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे लोगों से प्यार, दया और सहानुभूति का भाव बनाए रखें। और वेदों पुराणों में भी ऐसा ही वर्णन आया कि सुखी जीवन के कुछ खास मंत्र बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कि पहला नियम है कि धैर्य बनाए रखें, कीप पेशेंस। वेदों के अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां भी आती हैं जो हमें डराती हैं तथा लक्ष्य से भटकने पर मजबूर करती हैं। ऐसे समय में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। दूसरा, क्षमा करना। दूसरों को क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। हमें किसी से भी बदले की भावना कोई कार्य नहीं करना चाहिए तथा सभी के लिए क्षमा भाव रखना चाहिए। यह क्रोध को नियंत्रित करने तथा ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने की अचूक दवा है। इसे जीवन में अपना कर देखें, आपको शांति और शक्ति मिलेगा। तीसरी बात यह है कि आप संयम रखें। मन और मन की उड़ान को नियंत्रित करने की विधा को संयम कहते हैं। हमें संयम से रहते हुए हमेशा सारे कार्य करना चाहिए तथा अधर्म और बुरे कार्य विचारों से बचना चाहिए। चौथी बात है, चोरी नहीं करना। वेद पुराण हमें धोखे से, चालाकी से, ठगी से, चोरी और अन्य गलत तरीकों से धन अर्जन न करने की सलाह देते हैं। हमें इसका पालन करना चाहिए, इससे मन खुश रहता है। पांचवा चीज़ है कि पवित्रता का ध्यान रखें। हमें हमारे व्यवहार, विचार, सोच और कार्य में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की सलाह देते हैं। मानव जीवन कर्मण उसकी सोच पर निर्भर है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे हम। अतः हमें हमेशा अपनी सोच को पवित्र बनाए रखना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। हमारा मन और हमारा शरीर 5 इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होता है। वे इस प्रकार हैं, जैसे आँखें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, कान हमें ध्वनि का ज्ञान कराते हैं, नाक हमें सुगंध और दुर्गंध का अनुभव कराती हैं, जीभ हमें स्वाद का अनुभव कराती है, त्वचा हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। ये 5 इंद्रियाँ हमारे मन और शरीर में संचार के माध्यम हैं। अतः ये नियमित रूप से हमारे मस्तिष्क को बाहरी संसार के बारे में सूचनाएं भेजते रहते हैं। अतः इन 5 इंद्रियों पर हमको नियंत्रण करना चाहिए और इससे हमें जो है शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। 7वां चीज़ है, बुद्धिमान बनो। किसी भी कार्य को बुद्धिपूर्वक करने की सलाह देते हैं, बुद्धिमान बनने की प्रेरणा देते हैं। हमारी सद्बुद्धि हमारी संगति पर निर्भर करती है। अतः हमें हमेशा सही लोगों की संगत करनी चाहिए और कुसंगति से बचना चाहिए। 8वां चीज़ है, विद्या अर्जन करें, रिश्ते ज्ञान अर्जन करिए। हमारे जीवन में विद्या का विशेष महत्व है। विद्या ही हमें हमारे आसपास और सुदूर समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान कराती है। विद्या हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। विद्या अर्जन से हमारे मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं तथा हम ज्ञान अर्जन कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 9वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा सच का साथ दें। हमें सत्य और प्रिय बोलने के लिए बोला जाता है। हालांकि कड़वा सच बोलने से रोकते हैं तथा झूठ ना बोलने की भी प्रेरणा देते हैं। आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने तथा उन्हें बेहतर बनाए रखने के साथ का विशेष महत्व है। यदि हम वास्तव में सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, 10वां पॉइंट है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध से दूर रहने, संसिद्धता को आत्मसात करना चाहिए और शत्रुओं के प्रति भी क्रोध भावना नहीं रखना चाहिए। यदि ये सब बातों का हम पालन करेंगे, सूत्रों का संकल्प लेते हैं कि इसको पालन करेंगे, तो निश्चित ही हमारे आने वाले दिन व जिंदगी सुखमय हो जाएगी और हमें अच्छा महसूस होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।